वेलकम टू स्टोरी बुक्स। तो अब तक हमने देखा था कि शाओ युआन यान हिचिंग के साथ उसके किंगडम में जाने का फैसला करता है। तो आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाओ युआन अपना सामान पैक कर रहा होता है, वहीं पीछे से यान हिचिंग आके उससे कहता है, तुम आराम क्यों नहीं कर रहे हो? शाओ युआन बोलता है, हमें कल ताओयान विलेज को छोड़ना है, तो मैं अपना सामान बांध रहा था। ब्रदर यान, तुम्हारे साथ रहना कितना अच्छा लगता है ना? यान हिचिंग उसकी थकावट को एक बार में समझ जाता है और बोलता है, तुम थक गए हो, इधर आओ। और वो उसके कंधों की मसाज करने लगता है। वहीं उस मसाज से शाओ युआन को गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं और वो मौके का फ़ायदा उठा के पीछे मुड़ के यान हिचिंग से बोलता है, ब्रदर यान, आराम करने का एक और तरीका है, आप जानना चाहते हो? यान हिचिंग पूछता है, वो क्या है? उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि शाओ युआन किसकी बात कर रहा है। फिर शाओ युआन फ्लर्ट करते हुए बोलता है, ये वही है जो हम कल कर रहे थे। ये सुन के यान हिचिंग को गुस्सा आ जाता है और फिर वो शाओ युआन को मारने लगता है एज अ पनिशमेंट। वो उसको ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं मार रहा था, पर फिर भी शाओ युआन को वो ह्यूमिलेटिंग लगता है, तो फिर वो ऐसे माफ़ी मांगता है, ब्रदर यान, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती थी। यान हिचिंग फिर कहता है, अगली बार से मुझे रिझाने की कोशिश मत करना, डॉक्टर जांग को सब पता है, वो मेरे पर ना जाने क्या ही इल्ज़ाम लगाते हैं। शाओ युआन चौंक जाता है और कहता है, क्या मास्टर को सब पता है, पर कैसे? यान हिचिंग बोलता है, उन्होंने कहा। और फिर वो सुबह की बात याद करता है जहाँ डॉक्टर जांग ये बता रहा होता है ने कि कल रात को उन दोनों के कमरे से कितना शोर आ रहा था। ये सुनकर शाओ युआन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और बोलता है, मास्टर को मेरी कितनी चिंता है ना? यान हिचिंग बोलता है, अगली बार से उनकी सुनना। शाओ युआन कहता है, हाँ सुनूंगा। फिर शाओ युआन कहता है, लेकिन अगर मैं सोचूं कि उन सबको छोड़ने की बात है तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो याद करता है जहाँ डॉक्टर जांग उससे कह रहे थे, पर तुम तो वेस्टर्न शू के हो, तो तुम साउदर्न यान क्यों जा रहे हो? शाओ युआन बोलता है, आपको इतना सब याद कैसे रहता है? हाँ आप बूढ़े हो चुके हैं, इतना मत याद करा कीजिए। लिन जो कि प्रेग्नेंट थी वो बोलती है, हाँ वह मास्टर यान के साथ जाने की बात कर रहे हैं। वहीं शाओ युआन चिल मूड में कहता है, अच्छा तुम दोनों ये बताओ, अगर लड़का हुआ तो उसका नाम क्या रखोगे, जांग जांग जिन? वहीं फिर उसका दोस्त बोलता है, अरे वाह ये नाम तो बढ़िया है। वहीं पीछे से चुंगुई आता है और बोलता है, ब्रदर शाओ, मैं आपसे बात कर सकता हूँ क्या? शाओ युआन बोलता है, क्या बात है चुंगुई? चुंगुई कहता है, ब्रदर शाओ, क्या आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं? शाओ युआन सर हिलाता है और वो मन में सोचता है, यान हिचिंग ने अपना पूरा का पूरा राज्य और उसका सिंहासन नॉर्थ में ही बसा रखा है। फिर चुंगुई कहता है, मैं भी आपके साथ नॉर्दर्न किंगडम जाना चाहता हूँ।
वहाँ उस राज्य के पहाड़, नदियाँ, जगह सब देखना चाहता हूँ। शाओयन बोलता है, ठीक है फिर संग चलते हैं। और फिर फ्लैशबैक एंड होता है और यानही चिंग शाओयन से कहता है, हम कल वापस जाने वाले हैं, अगर कुछ तुम्हें बुरा लगे तो। शाओयन बोलता है, बुरा क्या लगना, अगर मुझे लगा भी तो तुम बस मुझे किस कर देना, ठीक है। और वो यानही चिंग को किस करता है और बोलता है, इससे मुझे बुरा नहीं लगेगा। यानही चिंग बोलता है, मैं तुम्हारी हमेशा हिफाजत करूँगा। शाओयन कहता है, मैं जानता हूँ। और आधे महीने बाद वे तीनों नॉर्दर्न किंगडम यानी साउथर्न एम्पायर पे पहुँचते हैं। महाराज आ चुके हैं और हमें यानही चिंग दिखाए जाते हैं और वहीं सबके सब अपनी रिपोर्ट्स यानही चिंग को पेश करने लगते हैं कि इन आधे महीने में क्या क्या नहीं हुआ। वहीं फिर एक शख्स बोलता है, ये कोई बात ही नहीं हुई, हम एक नॉर्दर्न किंगडम के राजा को यहाँ कैसे रख सकते हैं जो कि अब राजा तक नहीं है। हाँ महाराज, इसीलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि नॉर्दर्न किंगडम के एम्परर को जान से मार दीजिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर